हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीआर स्टडी पॉइंट। रीजनिंग के आज के पहले सेशन में आपका स्वागत है। जो पजल्स हम लोगों ने कल सेंड किया था उसको आज हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एट पीपल्स ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। इस पजल में क्या कह रहा है कि आठ व्यक्ति एक लाइन में बैठे हुए हैं, सारे व्यक्ति का फेस नॉर्थ की ओर है। ऑल्सो इच वन ऑफ देम लिविंग ऑन डिफरेंट फ्लोर, और ये आठों व्यक्ति है ना अलग अलग फ्लोर पे बैठे हुए हैं। फ्लोर का मेंशन किया हुआ है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, सिक्स फ्लोर, सेवेंथ फ्लोर, नाइन्थ, इलेवेंथ और फिफ्टींथ, ये फ्लोर का मेंशन किया हुआ है। बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, जरूरी नहीं कि ये सारे के सारे व्यक्ति इसी क्रम में बैठे हुए हो। आगे बोला कि ई लिविंग ऑन दैट फ्लोर विच इज आफ्टर सिक्स फ्लोर बट नॉट ऑन इमीडिएट आफ्टर। ई के बारे में बोला कि ई जो है उस फ्लोर पे बैठा हुआ है। किस फ्लोर पे जी? जो छठे फ्लोर के बाद आता है, लेकिन नॉट इमीडिएट आफ्टर। तो छठे फ्लोर के बाद क्या आएगा? सातवें फ्लोर, तो उस पे नहीं रहेगा। तो ई को बैठने का जो प्लेस हो जाएगा वो हमारा नाइन्थ फ्लोर पे हो सकता है, इलेवेंथ फ्लोर पे हो सकता है और पंद्रहवें फ्लोर पे। ये तीन फ्लोर पे ई कहीं ना कहीं बैठ सकता है। इसके बाद क्या बोला है कि आगे बोला कि ई लिविंग ऑन दैट फ्लोर विच इज आफ्टर सिक्स फ्लोर बट नॉट ऑन इमीडिएट आफ्टर। इसके बाद बोला कि ई एंड ए आर इमीडिएट नेबर। इसके बाद क्या बोला है कि ई और ए ये दोनों क्या है? इमीडिएट नेबर में बैठे हैं, ये दोनों आस पड़ोस में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ई और ए या ए और ई ये दोनों जहां बैठेंगे साथ में बैठेंगे। फिर उसके बाद बोला द पर्सन हु लिविंग ऑन द 15th फ्लोर सीट सेकंड टू द राइट ऑफ जी। वह व्यक्ति जो 15वें फ्लोर बैठा हुआ है वह जी के सेकंड राइट में है। मतलब कि जी जहां भी इस ऑटो प्लेस में से कहीं बैठेगा इसके सेकेंड राइट में कौन व्यक्ति बैठेगा जी? जो 15वें फ्लोर पर बैठा हुआ है। ये लाइन अलग हो गया। ठीक है, मतलब कि हम लोग सारे पहले क्वेश्चंस को पढ़ के पेज पे ड्रॉ कर लेते हैं क्या क्या स्टेटमेंट कह रहा, उसके बाद हम लोग अरेंजमेंट करना स्टार्ट करेंगे। मतलब जी जो है ना, जी जहां बैठेगा उसके सेकंड राइट में वह व्यक्ति बैठेगा जो 15वें फ्लोर पे है। नीदर ई नॉर ए इज एन इमीडिएट नेवर ऑफ जी। ये ई और ए जो है ना ये जी के नेवर में नहीं है। जी के नेवर में कौन नहीं बैठा है जी? ई और ए, ये दोनों व्यक्ति जो है ना जी के नेवर में नहीं बैठे हैं। आगे क्या बोला? आगे बोला है कि एच सीट थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु लिविंग ऑन फर्स्ट फ्लोर। वह व्यक्ति जो पहले फ्लोर पे बैठा हुआ है, वह व्यक्ति जो पहले फ्लोर पे बैठा हुआ है उसके थर्ड राइट में कौन बैठा हुआ है? एच बैठा हुआ है। जो व्यक्ति पहले फ्लोर पे बैठा हुआ है फर्स्ट फ्लोर पे उसके थर्ड राइट में कौन व्यक्ति बैठा है जी? जो एच बैठा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीदर ए नॉर ई इज लिविंग ऑन द फर्स्ट फ्लोर। आगे बोला है कि ई और ए जो है ना ये दोनों फर्स्ट फ्लोर पे नहीं बैठे हैं। ई और ए पहले फ्लोर पे नहीं बैठे हैं। एच डजंट लिव ऑन द 15th फ्लोर। एच जो है यह 15वें फ्लोर पे नहीं बैठा है। एच 15वें फ्लोर पे नहीं बैठा है, ये भी बात हो गया। आगे बोला कि ओनली टू पीपल सीट बिटवीन ई एंड द पर्सन हु लिविंग ऑन द 11th फ्लोर। वह व्यक्ति कौन? ई और जो व्यक्ति 11th फ्लोर पे बैठा हुआ है उसके बीच में दो व्यक्ति हैं। ई और 11th फ्लोर जो व्यक्ति बैठा हुआ है ना उनके बीच में दो व्यक्ति हैं। आगे बोला कि जी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु लिविंग ऑन द 7th फ्लोर। जो व्यक्ति 7वें फ्लोर पे है उसके थर्ड राइट में जी बैठा हुआ है। जी उस व्यक्ति के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है जो 7वें फ्लोर पर है। मतलब कि 7वें फ्लोर पर बैठे व्यक्ति के थर्ड राइट में जी बैठा हुआ है। आगे हो गया, आगे बढ़ते हैं कि द पर्सन हु लिविंग ऑन द सेकेंड फ्लोर सीट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। डी जहां भी बैठेगा, डी का फेसिंग नॉर्थ होगा, इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन व्यक्ति बैठा है जी? जो सेकेंड फ्लोर पे है। ठीक है, डी जहां भी बैठेगा उसके इमीडिएट लेफ्ट बैठा व्यक्ति सेकेंड फ्लोर पर बैठा हुआ है। ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन ई एंड बी। ई और बी के बीच में एक और लाइन दिया है, ई और बी के बीच में केवल और केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है, ये भी हो गया है। फिर इसके बाद बोला कि सी लिविंग ऑन द फ्लोर, सी लिविंग ऑन वन ऑफ द फ्लोर बिफोर 11th फ्लोर। सी है ना 11वें फ्लोर से पहले किसी एक फ्लोर पर बैठा हुआ है।
आगे बोला कि जी लिविंग ऑन दैट फ्लोर विच इज आफ्टर दैट फ्लोर इन विच ए लिव. जी लिविंग ऑन दैट फ्लोर, जी उस फ्लोर बैठा हुआ है, विच इज जो आफ्टर दैट फ्लोर इन विच ए लिव्स, ए जिस फ्लोर पे बैठेगा ना उसके बाद वाले किसी एक फ्लोर पे जी बैठेगा. इसके बाद बोला कि सी और ई, सी और एफ ये एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठे हैं, ये दोनों व्यक्ति जो है ना एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठे हैं, सारे के सारे पैसेज हमारे जो है ना वो अब ड्रॉ हो गए हैं. अब हम अरेंजमेंट करना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले किसको पकड़ना है, सबसे पहले इसको पकड़िए. क्यों? क्योंकि सातवें फ्लोर के व्यक्ति के बैठने के थर्ड राइट में जी बैठा है और जैसे ही ये अरेंजमेंट होगा उसके बाद हम इसको पकड़ेंगे. क्यों? क्योंकि जी के सेकंड राइट में कौन व्यक्ति बैठेगा जी, पंद्रहवें फ्लोर का व्यक्ति. तो मान लीजिए कि ये हमारा एक प्लेस है, इस पे वह व्यक्ति बैठा है कौन, जो सातवें फ्लोर पर बैठा है. इसके थर्ड राइट में तो पहला, दूसरा और तीसरा, यहाँ पे कौन बैठा, जी बैठा. ठीक है, और सबका फेसिंग कहाँ है जी, नॉर्थ की ओर है, इस बात को ध्यान रखिएगा. अब ये हो गया क्योंकि फेसिंग नॉर्थ है तो हमको पता है कि इस एरिया में जो होगा वो क्या होगा, राइट होगा सारे व्यक्ति का, और इधर क्या होगा जी, लेफ्ट होगा. ये बात को आप लोग रिमाइंड रखे रहिएगा. अब आगे बढ़ते हैं. यहां बोला कि सातवें फ्लोर बैठे व्यक्ति के थर्ड राइट में जी बैठा है तो इसका काम तो हो गया. फिर इसके बाद बोला कि जी के सेकेंड राइट में कौन व्यक्ति बैठा है जी, जो पंद्रहवें फ्लोर पर बैठा है. जी हमारा यहां बैठा तो फर्स्ट और सेकेंड, यहां पर वह व्यक्ति बैठेगा जो पंद्रहवें फ्लोर पर है. इसका भी काम हो गया है. चलिए इस लाइन का भी काम हो गया, अब इसका काम हो गया और इसका काम हो गया. आगे का लाइन क्या पढ़ें, आगे हमारे पास देखो कि सातवें फ्लोर से लेकर के पंद्रहवें फ्लोर के बीच में कुल फ्लोर की संख्या कितनी हो गई, 3, 4, 5, 6, जबकि 8 व्यक्ति हैं. तो दो और सीट है, तो हो सकता है कि मैं एक पॉसिबिलिटी लेके चल रहा है कि ये हो सकता है कि दो सीट यहां पे हो, ठीक है, या ये दो सीट यहां पे भी हो सकते हैं, ये सीट हो सकता है, या एक सीट यहां और एक सीट यहां, ये भी कंडीशन हो सकता है. मैं एक दो सीट को एक साथ रख के चल रहा हूं आगे, इसलिए क्योंकि एक लाइन बोला है कि ई और ए ये दोनों साथ में बैठे हुए हैं लेकिन ये दोनों जी के नेबर में नहीं है. तो जी के नेबर मतलब जी के नजदीक में नहीं बैठेंगे, तो यहां पे और यहां पे ई और ए नहीं बैठेंगे, यहां पे ई और ए नहीं बैठेंगे, यहां भी ए और ई नहीं बैठेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में बोला है, ऑलरेडी बोला है कि ई और ए जो है ना जी के नेवर में नहीं है और ये दोनों साथ बैठेंगे. तो हो सकता है कि दोनों व्यक्ति यहां बैठ जाएं, क्योंकि इसके अलावा ये सीट और ये सीट के अलावा ऐसा कोई भी प्लेस नहीं बच रहा है जहां पे दो सीट साथ में हो. अगर मैं एक सीट यहां पे और एक सीट यहां पे रख के चलता तब भी हमारे पास अरेंजमेंट हो सकते थे यहां इस प्लेस को लेकर के. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. फिलहाल हमने जो पॉसिबिलिटी लिया उस पर ड्रॉ करते हैं. अब यहां पर बोले हैं कि ई और ए दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, ये क्वेश्चंस में बोला है, लेकिन ये सी जी के नेवर में नहीं है. तो हो सकता है कि ए यहां बैठे और ई यहां बैठे, ये भी पॉसिबिलिटी में लेके चल रहे हैं, या हो सकता है कि ई किनारे बैठे और ए यहां बैठ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है. तो फिलहाल हम इसको रख के चल रहे हैं और आगे देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है. आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इस बेस पे. अगर ये अरेंजमेंट से हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो फिर हम क्या करेंगे, ई को यहां पे और ए को यहां पे रख के एक बार चेक करेंगे, ठीक है, कि जो अभी मैंने पॉसिबिलिटी लिया है क्या वो सही है कि नहीं है. अगर ये पॉसिबिलिटी गलत हो रहा है तो फिर हम आगे क्या करेंगे कि ई को कॉर्नर पे कर देंगे और ए को उसके बाद कर देंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. चलिए ये हमारा हो गया, ये लाइन क्लियर हो गया. अब इसके बाद क्या बोला है, इसके बाद एक लाइन बोला था कि ई और बी के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है. ई और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है. इस लाइन को पहले इस बात को अब ले लिया क्योंकि मेरे पास ई बैठ गया है, तो ई यहां पे है तो एक व्यक्ति, तो यहां पे कौन बैठ सकता है जी, यहां पे बी बैठ सकता है क्योंकि ई और बी के बीच में एक व्यक्ति है, इसका काम भी हो गया. इसके बाद क्या बोला, इसके बाद इस लाइन को पकड़िए. क्यों? क्योंकि बोला कि ई और जो व्यक्ति 11th फ्लोर बैठा है उसके बीच में दो व्यक्ति हैं, क्योंकि ई तो बैठा हुआ है तो 11th फ्लोर पे बैठे व्यक्ति और ई के बीच में कितने व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं. तो एक दो, तो यहां जो व्यक्ति बैठेगा ना वो 11th फ्लोर पे होगा. ठीक है, यहां जो व्यक्ति होगा वो कौन फ्लोर पे होगा, 11th फ्लोर पे होगा. इसका भी काम हो गया. जब यहां पे हो गया तो आगे बढ़ते हैं. आगे एक लाइन दिया था, अब इस लाइन को पकड़िए कि जो व्यक्ति फर्स्ट फ्लोर बैठा हुआ उसके थर्ड राइट में एच है और एच 15वें फ्लोर पे नहीं है, साथ ही साथ इसको इससे जोड़िए. क्या बोला है कि ई और ए फर्स्ट फ्लोर पे नहीं है,
ये भी कंडीशंस है। तो ए और ई जो है ना, ये दोनों फर्स्ट फ्लोर पे नहीं है, तो यहाँ पे ऑलरेडी सेवन्थ फ्लोर बैठा हुआ है। तो बी को अगर फर्स्ट फ्लोर बैठाते हैं, इसके थर्ड राइट, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे एच बैठ जाएगा। अगर यहाँ पे कोई सोच रहा कि फर्स्ट फ्लोर वाला व्यक्ति यहाँ भी बैठ सकता, ऑफकोर्स बैठेगा, लेकिन एक कंडीशन दिया हुआ है कि एच 15वें फ्लोर पे नहीं बैठा है, क्योंकि अगर यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर का व्यक्ति बैठ गया तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ पे एच बैठेगा और एच का 15वां फ्लोर होगा, जबकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एच जो है ना 15वें फ्लोर पर नहीं बैठेगा। मतलब कि एक ही प्लेस बचा वो ई के लिए और एच के लिए। तो बी हमारा हो गया फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है, बी हमारा फर्स्ट फ्लोर पे हो गया, तो यहां पे कौन बैठ गया, एच बैठ गया, ये हो गया है। अब एक बार आते हैं थोड़ा सा ई के फ्लोर को लेकर के। ई का फ्लोर क्या बोला होता है कि ई जो है ना छठे फ्लोर के बाद, इमीडिएट आफ्टर नहीं है, मतलब सातवें फ्लोर पर नहीं है, लेकिन इसके बाद वाले फ्लोर पर बैठ सकता है। तो हमारे पास जो कि ई के फ्लोर की संख्या निकली थी वो 9वां फ्लोर, 11वां फ्लोर और 15वां फ्लोर। तो एक चीज देख रहे कि ई यहां पे है 15 यहां पे, तो 15वें फ्लोर पे तो ई होगा नहीं, खत्म हो गया। 11वें फ्लोर पे तो 11वां फ्लोर जो है ना बी के इमीडिएट राइट है, तो ये भी खत्म हो गया। तो ई के लिए कौन सा फ्लोर बचा जी, 9वां फ्लोर बैठा। तो ई जो है वो कौन सा फ्लोर बैठ रहा है, 9th फ्लोर पे ई हमारा बैठ रहा है, ये भी हो गया। ई हमारे 9वें फ्लोर पे आ गया, उसके इमीडिएट राइट बैठा व्यक्ति 7वें फ्लोर पे है, बी हमारा फर्स्ट फ्लोर पे है, बी के इमीडिएट राइट बैठा व्यक्ति 11th फ्लोर पर है। सबका काम हो गया है, लगभग सबका काम फिनिश हो चुका है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पे क्या बोला है, एक लाइन अभी इसको पकड़िए, बोला है कि डी के इमीडिएट लेफ्ट बैठा व्यक्ति सेकेंड फ्लोर पे है। डी के इमीडिएट लेफ्ट बैठा व्यक्ति किस फ्लोर पे है, सेकेंड फ्लोर पे है। अब डी को कहां कहां बैठा सकते हैं, डी को यहां बैठा सकते हैं, ठीक है, डी को हम यहां बैठा सकते हैं, डी को हम यहां बैठा सकते हैं, डी को हम यहां बैठा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि डी जहां भी बैठेगा उसके इमीडिएट लेफ्ट में सेकेंड फ्लोर का व्यक्ति बैठेगा। लेकिन अगर डी यहां बैठता है तो यहां पर तो ऑलरेडी ई 9 फ्लोर पर बैठ चुका है, तो ये तो प्लेस डी के लिए खत्म हो गया। अगर डी यहां बैठता है तो इसके इमीडिएट लेफ्ट बी होगा और बी हमारा पहले ही पहले फ्लोर पर बैठ गया है, तो ये भी प्लेस खत्म हो गया। मतलब कि डी यहां बैठेगा, ठीक है, डी जब यहां बैठा तो इसके इमीडिएट लेफ्ट मतलब कि एच जो है ना वो सेकेंड फ्लोर पे बैठेगा, एच हमारा सेकेंड फ्लोर पे हो गया, इसका भी काम हो गया। अब हमारे पास कितने व्यक्ति बचे, हमारे पास आई थिंक दो ही व्यक्ति बचे हैं, सी और एफ, सी और एफ, ये दो व्यक्ति बचे हैं सी और एफ। इसके बारे में क्या बोला था, इसके बारे में बोला था कि ये दोनों व्यक्ति पंक्ति के अंतिम छोर पे नहीं है, क्लियर है, तो सी और एफ इन दोनों प्लेस में से कहीं बैठ सकते हैं, 7वें और 11वें फ्लोर पे। जब ये बैठेंगे तो इसके बाद अब इस लाइन को पकड़िएगा, इस लाइन में क्या बोल रहा है कि सी लिविंग ऑन द फ्लोर, ठीक है जी, सी लिविंग वन ऑफ द फ्लोर बिफोर 11th, सी जो है ना 11वें फ्लोर से पहले किसी एक फ्लोर बैठता है। अब देखिए कि हमारे पास एक 7वां फ्लोर है और एक क्या है जी 11वां फ्लोर बचा हुआ है, इन दोनों में से किसी एक फ्लोर, 11वें फ्लोर से पहले कौन सा फ्लोर आएगा, 7वां फ्लोर, मतलब कि इस फ्लोर पे सी बैठेगा, ठीक है। अब हमारे पास यहां पे 7वें फ्लोर पे एफ जो है ना वो 11वें फ्लोर पे बैठ गया, सारे के सारे व्यक्ति बैठ गए हैं, फ्लोर बैठ गया है, एक कोई फ्लोर बचा हुआ है जो है आई थिंक 4था फ्लोर, 4th फ्लोर, ठीक है। तो 4th फ्लोर पे कौन बैठेगा जी, हमारा ये ए बैठेगा। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, देखिए ध्यान से क्या कि ए जो है 4थे फ्लोर बैठ गया, ई जो है 9वें फ्लोर बैठ गया है, सी जो है 7वें फ्लोर पर बैठ गया है, बी हमारा पहले फ्लोर बैठा, एफ हमारा 11वें फ्लोर पर बैठा, जी के बारे में मेंशन किया गया है, जी के बारे में क्या कह रहा है, हाँ हमारे पास थोड़ा सा बात पीछे लेंगे, एक 4था फ्लोर बैठा हुआ था हमारे पास और एक जो फ्लोर बचा हुआ है हमारे पास, एक मिनट देख लीजिए थोड़ा सा हमारे पास क्या क्या बचा हुआ है। अब हमारे पास 9th फ्लोर का यूज़ हो गया है, ठीक है, उसके बाद 7th फ्लोर का यूज़ हो गया है, ये भी हो गया है, पहले फ्लोर का यूज़ हो गया, ये भी हो गया, सेकेंड फ्लोर का यूज़ हो गया, ये भी हो गया, 15वें फ्लोर का यूज़ हो गया, 11वें फ्लोर का यूज़ हो गया है, क्लियर है। हमारे पास बचे हैं 7 फ्लोर का भी यूज़ हो गया है, 6ठा फ्लोर और 4था फ्लोर, 6ठा फ्लोर और 4था फ्लोर। इस लाइन के लिए 6 और 4 बचे हुए थे, सॉरी मैंने ए को 4th फ्लोर बैठा दिया था, एक बार फिर देख लीजिएगा, ये लाइन को पकड़िए, जी लिविंग ऑन दैट फ्लोर विच इज आफ्टर द फ्लोर इन विच ए लिव्स, जी लिव ऑन दैट फ्लोर, जी उस फ्लोर पे बैठता है, जी उस फ्लोर पे बैठता है जो ए के बाद वाला फ्लोर, तो ए के बाद वाला फ्लोर की बात कर रहा है, जी उस फ्लोर पे बैठता है जो ए के बाद आ रहा है, ठीक है, तो ए के बाद, जी लिविंग ऑन दैट फ्लोर विच इज आफ्टर
दैट फ्लोर ऑन विच ए लिव्स. तो ए के लिए हमने चौथा फ्लोर चलो बाय डिफॉल्ट मैंने बैठा ही दिया था, तो ए चौथे फ्लोर बैठा, तो इसके बाद कौन सा फ्लोर आएगा जी? छठा फ्लोर आएगा, मतलब कि जी जो है ना वो छठे फ्लोर पर बैठेगा. एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, ए चौथे फ्लोर पे हो गया, ई नौवे फ्लोर पे हो गया, एफ सी सातवें फ्लोर पे हो गया, बी पहले फ्लोर पे हो गया, एफ ग्यारहवें फ्लोर पे हो गया, जी छठे फ्लोर पे हो गया, एच सेकेंड फ्लोर पे हो गया, और डी है वो हमारे 15वें फ्लोर पे हो गया. ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है, ठीक है. आप इसे नोट कर लीजिए कुछ वक्त के लिए, आप इस क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए. अब इस पजल पे आधारित पांच क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं. यहां पे देखिए हमारा जो फाइनल रिजल्ट आया था वो यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है. ए चौथे फ्लोर पे है, ई नौवें फ्लोर पे है, सी सातवें फ्लोर पे है, बी पहले फ्लोर पे है, एफ ग्यारहवें फ्लोर पे है, जी छठे फ्लोर पे है, एच सेकेंड फ्लोर पे है, डी 15वें फ्लोर पे है. पहला क्वेश्चन क्या बोला है? पहला क्वेश्चन बोला है कि ऑन विच ऑफ द फ्लोर एच डज लिव. एच कौवें फ्लोर पे बैठ रहा है. अब क्वेश्चन में देखिए एच हमारा कौवें फ्लोर पे है जी, सेकेंड फ्लोर पे है. तो हमारा आंसर क्या हो गया? सेकेंड फ्लोर. Who amongst the following sit exactly between E and B? E और B के बीच में कौन बैठा है? तो E यहाँ बैठा है, B यहाँ बैठा है. इनके बीच में कौन है जी? C है, ठीक है. और क्या बोला है? The persons who living on the seventh floor. The persons who living on the seventh floor. इसका आंसर ये होगा क्योंकि बी ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि द पर्सन हु लिविंग ऑन द फर्स्ट फ्लोर. तो सी तो पहले सातवें फ्लोर पर बैठ रहा है, पहले फ्लोर पर तो है नहीं. तो सेकंड क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया ए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा डी. थर्ड क्वेश्चन बोला कि एच इज रिलेटेड टू इलेवेंथ फ्लोर. एच हमारा यहाँ पे है, एच इज रिलेटेड टू इलेवेंथ फ्लोर, ठीक है. इन ए सर्टन वे बेस्ड ऑन द अबव अरेंजमेंट बी इज रिलेटेड टू नाइन्थ फ्लोर. बी इज रिलेटेड टू नाइन्थ फ्लोर फॉलोइंग द सेम पैटर्न्स. इसी नियम से जिस तरह से एच को अरेंज किया है 11वें फ्लोर के साथ, बी को अरेंज किया है 9वें फ्लोर के साथ, हाउ इज रिलेटेड टू 7th फ्लोर फॉलोइंग इन द सेम पैटर्न. तो 7वें फ्लोर पे कौन बैठेगा? अब देखिए कि एच को सेकेंड लेफ्ट प्लेस करके यहाँ पे 11 पे लाया, बी को सेकेंड लेफ्ट प्लेस करके 9वें फ्लोर पे लाया. तो 7वें फ्लोर की बात करें, 7वें फ्लोर यहाँ पे है, तो 7वें फ्लोर के सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठा है जी? एफ बैठा है. मतलब कि मतलब कि एफ जो है वो 7वें फ्लोर पे हो जाएगा. क्यों? क्योंकि एच के सेकेंड लेफ्ट में उसको प्लेस दे रहा है 11वें फ्लोर पे, बी के सेकेंड लेफ्ट में 9th फ्लोर पे सी को बैठा दिया. तो उसी प्रकार से एच जो है ना अपने सेकेंड लेफ्ट पोजीशंस पे आकर के 7वें फ्लोर पे आएगा. तो इस क्वेश्चन का तीसरे क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होगा ए होगा. चौथा क्वेश्चन बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग डी. डी के रिस्पेक्ट में कौन सा कथन सही है? ओनली टू पीपुल्स सीट टू द लेफ्ट ऑफ डी. डी हमारा यहाँ पे है. अब बोला है पहला ऑप्शन कि डी के लेफ्ट में दो ही व्यक्ति है. अब ये डी यहाँ पे है, डी के लेफ्ट में तो पूरा सारे व्यक्ति आ गए जी, 6 व्यक्ति उसके लेफ्ट में बैठ रहा है, 7 व्यक्ति. फिर बोला है कि डी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु लिविंग ऑन द 11th फ्लोर. डी उस व्यक्ति के दाएं को तीसरे स्थान बैठा हुआ है जो 11वें फ्लोर पे है. चेक कीजिए, 11वें फ्लोर का व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, इसके थर्ड राइट, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यस बैठा हुआ है. तो चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? ट्रू होगा. आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे. पांचवें क्वेश्चन बोला कि हु अमंग्स द फॉलोइंग लिविंग ऑन द 9th फ्लोर. 9वें फ्लोर पे कौन सा व्यक्ति बैठा हुआ है? तो 9वें फ्लोर पे हमारा कौन सा व्यक्ति है जी? ई है. तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हुआ? बी हो गया, ठीक है. ये पांचों क्वेश्चन सॉल्व हो गए इस पजल्स के सॉल्यूशन पे. आगे बढ़ते हैं अगले पजल्स पे. अब ये रहा सेकेंड पजल्स. इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देयर आर 6 बॉक्स. कितने बॉक्स हैं? 6 बॉक्स हैं. एम एन ओ पी क्यू एस इन अ रूम. कहाँ रखा हुआ है? एक रूम में रखा हुआ है. एंड प्लेस वन अबव अनदर. छठे 6 बॉक्स जो है ना वो एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है. ईच हैव डिफरेंट नंबर ऑफ टॉपिक. सारे बॉक्स में अलग अलग नंबर ऑफ टॉपिक रखे हुए हैं. 10, 15, 18, 21, 24, 32. ऑल्सो दे आर डिफरेंट कलर. और ये छठे जो भी 6 बॉक्स है ना ये अलग अलग रंग से रंगे हुए हैं. रेड, येलो, पिंक, ग्रीन, वाइट एंड ब्लू. क्वेश्चंस में 6 बॉक्स हैं, उनके अंदर अलग अलग नंबर ऑफ टॉफीज हैं 6 बॉक्स में, और 6 बॉक्स का अलग अलग रंग है. फिर बोला कि बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर. जो बॉक्स रखने की प्रक्रिया है ना वो जरूरी नहीं कि इसी क्रम में रखा हुआ हो. आगे बोला कि ओनली 3 बॉक्स आर प्लेस बिटवीन एम एंड पी. चलिए एम और पी के बीच में
कितने बॉक्स है जी? केवल तीन बॉक्स है. तो एम और पी के बीच में तीन बॉक्स, एक दो और तीन, ये तीन बॉक्स एम और पी के बीच में है. जरूरी नहीं कि एम और पी ये ऊपर, एम ऊपर हो पी नीचे हो, ये वेरिएबल है. पी भी ऊपर हो सकता है और एम क्या हो सकता है, नीचे हो सकता है. तो मैंने एक पॉसिबिलिटी में यहां पर रख के चला, या ये भी आप रख के चल सकते हैं. यहां पे पी को मान लीजिए, एक दो तीन बॉक्स, यहां पे कौन हो गया, एम हो गया. ठीक है, अब आगे बढ़िए. आगे बढ़ने पे क्या मिला कि विच हैज ऑड नंबर ऑफ टॉपिस, मतलब कि एम और पी के बीच में ऑड नंबर ऑफ टॉफी है. ठीक है जी, क्या जी, ऑड नंबर टॉफी. तो अब हमारे पास जो अरेंजमेंट है इसमें ऑड नंबर देखिए, तो एक हमारे पास जो ऑड नंबर है वो 15 है, और एक जो ऑड नंबर है हमारे पास वो क्या है, 21 है. इसके बाद 10, 18, 24 और 32 से इवन नंबर में आ जाएगा. अब आगे बढ़ते हैं. आगे बोला कि देयर इज ओनली वन बॉक्स इज प्लेस बिटवीन एम एंड एम, एम सॉरी देयर इज ओनली वन बॉक्स इज प्लेस बिटवीन पी एंड एन. पी और एन के बीच में कितने बॉक्स है, एक ही बॉक्स है. तो पी हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ पे इस अरेंजमेंट पे हमारा एन हो सकता है, एन आ जाएगा इस प्लेस पे, और एन और पी के बीच में कितने बॉक्स है, एक बॉक्स है. इसमें यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बना. तो यहाँ देखिए एम से लेकर के पी तक के बीच में एक दो तीन चार पाँच बॉक्स है, छह बॉक्स है. तो एक बॉक्स ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है. तो फिलहाल हम मान लेते हैं कि एम एन और पी के बीच में कितने बॉक्स है, एक बॉक्स, ये क्वेश्चन में कह रहा है. आगे क्या बोला, देयर इज ओनली वन बॉक्स इज प्लेस बिटवीन पी एंड एन विच इज येलो कलर. विच मतलब कौन, विच जो है ना वो हमारे एन के लिए आ गया. ठीक है, तो एन का जो कलर है वो कौन से, किस कलर का है जी, येलो कलर का है. एन जो बॉक्स है ना वो येलो कलर का है. आगे बढ़िए, यहां भी करते येलो कलर. ठीक है, आगे बढ़िए. आगे बढ़ने पे क्या बोला कि बॉक्स क्यू इज ऑफ रेड कलर एंड डजंट प्लेस जस्ट अबव एंड बिलो बॉक्स एन. बॉक्स क्यू जो है ना, ये क्यू जो है ना किस रंग का है, रेड कलर का है. और यह क्यू बॉक्स जो है ना ही एन के एकदम ऊपर और ना एन के एकदम नीचे है. तो फिर वही बात, एम से लेके पी तक में हमारे पास पूरे पांच बॉक्स हो गए. एक बॉक्स मान लीजिए कि एन के एम के ऊपर में है, यहाँ पे क्यू कर दीजिए. ठीक है, और क्यू के जो बॉक्स रंग है वो क्या होगा जी, रेड कलर का होगा. ये भी कंफर्म हो गया. चलिए आगे बढ़िए. आगे बढ़ने पे क्या बोला कि बट प्लेस वन ऑफ द बॉक्स अबव एन, लेकिन एन के ऊपर किसी एक बॉक्स के कहीं पे एक जगह पे बॉक्स रखा हुआ है. मतलब कि यहाँ भी कर सकते हैं हम, यहाँ पे क्यू हो गया हमारे पास, और ये क्यू जो है ना किस कलर का होगा, रेड कलर का होगा. ठीक है, ये हमारा पहला पॉसिबिलिटी है और ये हमारा सेकंड पॉसिबिलिटी है. आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने पे क्या मिला, आगे बढ़ने पे मिला कि द बॉक्स विच इज प्लेस जस्ट अबव पी इज ऑफ वाइट कलर. आगे बोला कि पी के ऊपर, पी के प्लेस, पी के जो ऊपर है ना वो बॉक्स जो भी है वो किस कलर का है, व्हाइट कलर का. तो पी हमारा यहाँ पे है, तो ये जो इमीडिएट ऊपर बोला, इमीडिएट अबव बोला है, तो यहाँ पे हो गया व्हाइट कलर का बॉक्स. पी के जस्ट अबव जो बॉक्स रखा हुआ है ना वो व्हाइट कलर का है. आगे बढ़िए. आगे बोला कि द बॉक्स विच इज प्लेस्ड एट टॉप हैज 11 टॉफीज मोर देन बॉक्स पी. बोला कि जो सबसे ऊपर है, तो क्यू से लेके पी तक में हमारे 6 बॉक्स हो गए. बोला कि जो सबसे ऊपर बॉक्स है ना वो पी से 11 ज्यादा है. एक बार पहले लाइन पे देखिएगा थोड़ा सा, ये जो लाइन है जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, यहाँ पे ये बोला था कि विच हैज ऑड नंबर टॉफीज, मतलब किसके किसके बीच था ऑड नंबर टॉफीज, वो था एम और पी का. तो ऑड नंबर में हमारे पास संख्या निकलते 15 और 21, मतलब कि 15 और 21 हमारे पास ये दो संख्या है. तो अगर 15 में 11 जोड़िएगा तो हमारे पास कितने आएंगे जी, 26 आएगा, और 21 में अगर प्लस 11 कीजिएगा तो 32 होगा. अब हमारे पास यही दो में से कोई एक नंबर जो है ना वो पी के लिए होगा. तो अब क्वेश्चंस को इस नंबर को देखिए, और देखिए हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है क्या उसमें 26 और 32 है. 26 तो नहीं है लेकिन 32 है. मतलब कि हम कह सकते हैं कि 15 टॉफी जो है ना वो पी के लिए नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, एक बार पुनः बता रहे क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो बॉक्स सबसे टॉप पर रखा हुआ है वह 11 टॉफी ज्यादा है पी के तुलना में. मतलब पी के पास जितने भी टॉफी होंगे उनमें
प्लस 11 करके हम क्यू की टॉफी या जो टॉप पे बॉक्स है ना उसकी संख्या निकाल सकते हैं। तो अगर पी के पास 15 टॉफी होते हैं तो उसमें 11 जोड़ के तो टॉप वाले के पास 26 टॉफी होते हैं, लेकिन 26 की तो कहीं गणना है नहीं हमारे अंकों में, जो अंक दिया हुआ टॉफी नंबर ऑफ टॉफीज दिया हुआ है। लेकिन अगर पी के लिए हम 21 टॉफी मानते हैं और उसमें 11 करें तो 32 नंबर जो 32 टॉफीज हैं वो दिया हुआ है। मतलब इस बेस पे हम कह सकते हैं कि पी के लिए कुल 21 टॉफी निकल गया और क्यू जो टॉप पे आ गया इसके लिए कुल 32 टॉफी हो गए। जैसे ही हो गए तो हमारे पास 21 खत्म हो गया, पी के लिए तो बचा 15 और एम हमारे पास ये भी ऑड टॉफीज यूज कर रहा था, एम के लिए भी कितना टॉफी बच गए, 15 टॉफी बच गए। सेम प्लेस यहां पे आ जाइए, यहां भी पी को अप कर दीजिए 21 टॉफी, ठीक है, और क्यू के लिए कर दीजिए 32 टॉफी, ठीक है, एम के लिए कर दीजिए 15 टॉफी। हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है कि द बॉक्स विच इज प्लेस एट टॉप हैज 11 टॉफीज मोर देन बॉक्स पी, ये तो हो गया। बॉक्स एस कलर इज नॉट अ वाइट, एस बॉक्स का जो कलर है ना वो वाइट रंग का नहीं है, ये बोल दिया। फिर बोला कि ग्रीन कलर्ड बॉक्स हैज 18 टॉफीज, जो बॉक्स ग्रीन कलर का है उसके पास 18 टॉफीज है, जिस बॉक्स को या जो बॉक्स ग्रीन रंग का है उसके पास 18 टॉफीज हैं। अब हमारे पास आइए, पी के लिए तो होगा नहीं, एम तो ऑलरेडी हमारे पास 15 टॉफी से चला गया है, एन के लिए ऑलरेडी येलो निकल गया, यहाँ पे व्हाइट बच गया, तो ये जो फ्लोर है ये जो प्लेस है ना यहाँ पे हमारा कौन हो गया जी, ग्रीन हो गया, ठीक है, ग्रीन यहाँ पे हो गया तो इसके लिए कितना टॉफी हो गया जी, 18 टॉफी हो गया, ठीक है। एस हमारा व्हाइट फ्लोर पे नहीं है, व्हाइट एक्स एस जो डब्बा है ना उसका व्हाइट कलर नहीं है, तो एस यहाँ पे नहीं हो सकता है, तो एस हमारा ग्रीन के साथ जा सकता है, ऑफ कोर्स जाएगा, यही एक प्लेस बचा एस के लिए, ठीक है। एस जो है ना वो ग्रीन बॉक्स, एस का जो बॉक्स है ना वो ग्रीन कलर का है। इसमें आप आते हैं तो इसमें हमारे पास पी के जस्ट अबव में व्हाइट कलर का बॉक्स है, तो अब देखिए पी के ऊपर तो क्यू हो गया और क्यू का रंग क्या है जी, रेड कलर है, तो ये तो ऑलरेडी गलत हो गया। अब ये जो हमारा सेकंड जो पॉसिबिलिटी चल रहा था ना वो ऑलरेडी रॉन्ग हो गया। अब यहां पे आइए, यहां पे हमारे पास पी हो गया, एन हो गया, एस हो गया, एम हो गया, क्यू हो गया, बचा क्या, ओ, तो ओ हमारा इस यहां पर गया सेकंड प्लेस पे, और ओ बॉक्स का रंग क्या होगा जी, व्हाइट कलर हो गया, एन बॉक्स का रंग येलो कलर है, एस बॉक्स का रंग ग्रीन कलर है, क्यू बॉक्स का रंग रेड कलर है, ये भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर क्या बोला कि एटलीस्ट टू बॉक्स आर प्लेस बिलो एम, एम के नीचे कम से कम दो बॉक्स है, कम से कम दो, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है लेकिन कम से कम दो बॉक्स नीचे होने चाहिए एम के, तो ठीक है ना, एम के नीचे 1, 2, 3, 4 बॉक्स नीचे है, ठीक है। विच इज ऑड नंबर ऑफ टॉफीज, विच मतलब किसके पास, एम के पास जो है ना ऑड नंबर टॉफीज, ये बात तो पहले ही निकल गया था। अब बोला कि बॉक्स पी डज नॉट लाइक ब्लू कलर, बॉक्स पी जो है ना ये बॉक्स पी जो है ना ये ब्लू कलर का बॉक्स नहीं है, पी बॉक्स कौन सा रंग का नहीं है जी, ब्लू कलर का नहीं है, एंड ओ बॉक्स डजंट हैव 24 टॉफीज, और ओ के पास 24 टॉफी नहीं है, जब ओ के पास 24 टॉफी नहीं है तो एन का निकल जाएगा 24 टॉफीज, ओ के लिए हमारे पास अब कितने बच जाएंगे जी, 10 टॉफी बच जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास पी के लिए बोला ब्लू कलर नहीं है, तो हमारे पास जो कलर में बचा हुआ था ना वो केवल दो ही कलर बचा हुआ है, एक ब्लू बचा हुआ है और एक जो बचा हुआ है हमारे पास पिंक कलर बचा हुआ है, ठीक है, पिंक, यही दो कलर बचा हुआ जिसमें पी के लिए ब्लू कलर नहीं है, तो क्या बचा जी, केवल और केवल पिंक कलर बचा था। बॉक्स पी का जो जो बॉक्स पी का रंग जो है वो पिंक कलर का है और एम बॉक्स जो है ना वो ब्लू कलर का बॉक्स होगा, और ये रहा आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। क्यू रेड कलर बॉक्स है, इसके पास 32 टॉफी है, एम ब्लू कलर बॉक्स होगा, इसके पास 15 टॉफीज है, एस के ग्रीन कलर बॉक्स होगा, 18 टॉफीज है, एन के लिए येलो कलर बॉक्स होगा, 24 टॉफी है, ओ के लिए व्हाइट कलर बॉक्स होगा, 10 टॉफी है, पी के लिए पिंक बॉक्स होगा, 21 टॉफी है, ये हमारे इस पजल्स का सॉल्यूशंस है। अब आगे बढ़ते हैं, इस पे आधारित जो 5 क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा जो अभी पीछे जो स्टेटमेंट दिया हुआ था, जो पजल्स था, उसके बेस पे जो फाइनल कंक्लूजन्स थे वो हमारे यहाँ पे हैं। एक बार फिर से रीड कीजिए, क्यू रेड कलर बॉक्स में 32
टॉफी के साथ, एम जो है ब्लू कलर बॉक्स में 15 टॉफी के साथ, एस जो है ग्रीन कलर में 18 टॉफी के साथ, एन जो है येलो कलर में 24 टॉफी के साथ, ओ वाइट कलर में 10 टॉफी के साथ, पी जो है पिंक कलर में 21 टॉफी के साथ। छठा क्वेश्चन क्या बोला है इस पजल्स का पहला, कि विच व्हाट इज द कलर ऑफ द बॉक्स विच हैज 10 टॉफीज, वह बॉक्स का कलर बताइए जिसके 10 टॉफी, तो 10 टॉफी यहीं पे हैं, क्या रहेंगे जी व्हाइट, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस एट टॉप एंड हाउ मेनी टॉफीज इन इट, टॉप पे तो सबसे टॉप पे कौन सा बॉक्स है जी क्यू, ठीक है कितने टॉफी है जी 32 टॉफी है, तो क्यू 32 टॉफी के साथ। हाउ मेनी बॉक्स आर प्लेस बिटवीन क्यू एंड द बॉक्स विच इज ऑफ पिंक कलर, क्यू और पिंक कलर के बीच में कितने बॉक्स है जी, तो देखो जी 1, 2, 3 और 4, मोर देन 3, ठीक है। विच बॉक्स इज प्लेस जस्ट अबव बॉक्स एन, एन के जस्ट अबव में कौन है जी, तो एन के जस्ट अबव में कौन सा बॉक्स है बॉक्स एस, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉफीज, किस बॉक्स में सबसे ज्यादा टॉफीज है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉफीज की बात करें तो बोला है कि द बॉक्स विच इज प्लेस जस्ट अबव एम, ऑफकोर्स जो एम के ऊपर में जस्ट अबव में इसके पास मैक्सिमम नंबर टॉफीज 32 है, फिर बोला कि एन, और एन के पास भी है क्योंकि यही दो जो डिजिट है बाकी सबसे क्या है सबसे ज्यादा है, तो बोथ ए सॉरी अब इसके बाद क्या बोला जी बोथ ए एंड डी, ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, रीड कलर्ड रेड कलर, रेड कलर बॉक्स, जिस बॉक्स का रेड कलर है, ऑफ कोर्स हमारा ए और डी ये जो दोनों हैं वो सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड डी, ये है आज दोनों पजल्स का सॉल्यूशंस। उम्मीद कर रहे हैं ये सीरीज आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, थैंक यू।